आपको कोई अधिकार नहीं है हमारे पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप करने का। आप बाहर 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 फूल अतिथियों से ऐसे बात करते हैं और कुंवर प्रताप बाहर वाले नहीं है हमारे लिए बड़ा भाई मानते हैं मैंने और ये तो बचपन के मित्र भी हैं आपके फिर बाहर वाले कैसे हो गए कोई बात नहीं चंद्रसेन जी फूल हम स्वयं आपके मुख से आपका निर्णय सुनना चाहते हैं यदि आपने ना की तो यही विवाह का जोड़ा हम सबके लिए मृत्यु का आदेश बन जाएगा हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं बचा लीजिए मारवाड़ को हम कह रहे हैं काट दीजिए हमारी गर्दन यदि हमने प्रस्ताव ठुकराया तो अकबर हमारे साथ करेगा हमारा निर्णय संसार के सबसे शक्तिशाली हमारा निर्णय शहंशाह की पत्नी और मलिक का हिंद हिंद हमारा निर्णय हीर बाईसा के पद चिन्ह जिनको कब कब अपनी मातृभूमि पर मुगल अतिक्रमण का भय नहीं सह नहीं हमारा निर्णय अकबर के साथ किंतु भय रहित जीवन ये सब क्या कह रहे हैं आप ये आपके मन की आवाज नहीं है ये आपके अंतरात्मा की आवाज नहीं है ये सब बेतुकी की बातें हैं क्यों बुरा ही क्या है हमारे निर्णय हमने सुना है कि अकबर बहुत ध्यान रखते हैं अपनी पत्नियों का और फिर बचपन से उन्होंने हमें पसंद भी तो किया बस फूल फूल बस 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 हर बात की सीमा होती है जो कुछ भी कह रहे हैं सोच समझ कर कहिए जो भी मन में आ रहा है बस बस कहे जा रही है सच को स्वीकार करें कुंवर प्रताप यही सच कि हम अकबर से विवाह मल्ली का ही करने जा रहे हैं स्पष्टता के साथ फूल ने अपना निर्णय सुनाया है हमारे विचार से अब इस विषय पर किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए और सब जान लेने के बाद सच्चाई को बदलने के प्रयास के लिए आपका यहां रुकना आपका समय गंवाना होगा कुंवर प्रताप यही आपका अंतिम निर्णय है तो फिर घड़ी खम रुक जाइए कुंवर प्रताप कहां जा रहे हैं आप इनके राज्य को इनकी आवश्यकता है चंद्रसेन ठीक है दादा भाई ठीक है हम सब समझ रहे हैं आपका ये खेल किंतु आप भी हमारी एक बात ध्यान से सुन लीजिए इस राजपूत गौरव की रक्षा के लिए यदि हमें किसी भी सीमा तक जाना पड़े तो हम अवश्य जाएंगे और भले ही इसके लिए हमें आपके विरुद्ध भी तलवार उठानी पड़े तो हम अवश्य उठाएंगे चंद्रसेन आप हमारी तरफ से मुक्त हैं
आप जो मार्ग चुनना चाहें चुन सकते हैं। हमने अपना मार्ग चुन लिया है। कोई अधिकारी हमारे पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप करे, आप बाहर बाहर। हमारा निर्णय शहंशाह की पत्नी और मल्लिक का हिंद बाईसा। हमारे विचार से आप द्रोह परिस्थिति में फंस गई है। अब मात्र आपको कुंवर प्रताप ही उभार सकते हैं। सारे राजपुताने में अकबर को छाती तानकर ना कहने का साहस केवल कुंवर प्रताप को है, और आपने उन्हीं को अपने आप से दूर कर दिया। नहीं चाहिए हमें ऐसा साहस जिससे आन चली जाए हमारे दाची राज के। इससे तो अच्छा हम अपना ही जीवन समर्पित करते नरक में। अब चुप क्यों हो, बोलो कुछ। हम जानते हैं राजकुमारी जी कि आपके जीवन में समर्पण और आत्मसमर्पण ऐसे शब्द है ही नहीं आपके शब्दकोश में। विशेष रूप से मन के विचारों में साक्षी है प्रताप, पर ये जानते हुए भी कि कुंवर प्रताप आपके कभी नहीं हो सकते, आपके मन में उनकी छवि कभी नहीं मिट सकती, फिर जीवन के इतने महत्वपूर्ण परीक्षा में समर्पण, और वो भी बिना किसी प्रयास के। जाओ, पत्र लिखने की सारी सामग्री ले आओ। जी अभी लाई। कुंवर प्रताप, आपके इस अपमान के लिए हम हमारी भतीजी फूल और दादा भाई की ओर से क्षमा चाहते हैं। एक तो आपको इस विषय में यहां लाने हैं, और ऊपर से आपके अपमान के लिए हम स्वयं को व्यक्तिगत रूप से दोषी मानते हैं। चंद्रसेन जी, क्यों व्यर्थ औपचारिकताओं में समय गवा रहे हैं? वे दोनों बहुत डरे हुए थे। राम सिंह जी उस मुगल के संभावित काल्पनिक आक्रमण से, और फूल अपने दाजीराज से। अब भला भयभीत लोगों का बुरा क्या मानना? आपका मतलब फूल की किसी भी बात पर विश्वास नहीं आपको? विश्वास हो जाता यदि हम फूल को बचपन से नहीं जानते। हम जानते हैं कि मन ही मन उस मुगल से बहुत घृणा करती है। इस समय फूल एक बहुत ही भयंकर दबाव में है, एक ऐसा दबाव जो संभवतः वही जानती है। कुंवर प्रताप, हमें भी ऐसा ही लग रहा था मन ही मन, पर अब क्या कर सकते हैं? दोबारा मारवाड़ जाकर तो बात करने से कोई लाभ नहीं। जितनी बात हमें करनी चाहिए थी उतनी बात तो कर चुके हैं। हम राम सिंह जी को तो नहीं मना सकते उस मुगल को ना कहने के लिए, किंतु हाँ, उस मुगल को तो हम अवश्य ही रोक सकते हैं मारवाड़ तक पहुंचने के लिए। कैसी बातें कर रहे हैं कुंवर प्रताप आप? हम अकबर को भला मारवाड़ आने से कैसे रोक सकते हैं? एक तो उसकी इतनी बड़ी विशालकाय सेना, और यहां मात्र हम दोनों और हमारे दो अश्व। हमें अपने गुप्त सूत्रों से पता चला है कि प्रताप और चंद्रसेन दोनों मारवाड़ में ही हैं इस समय, और मारवाड़ में ऐसे कई लोग हैं जिनको राजपूती आन बान को लेकर
भड़का सकते हैं ये दोनों हमारे विरुद्ध। वैसे इससे कुछ होगा नहीं, पर विशेष रूप से मारवाड़ की सेना को लेकर हमें थोड़ा भय जरूर है। तो हमारे विचार से मारवाड़ में नहीं होना चाहिए ये विवाह, किसी दूसरे स्थान पर हो तो सुरक्षित होगी ये बात। कम से कम हमें तो यही लगता है शहंशाह। बिना बात धोखे से पकड़कर मृत्यु, हमारी सीमाओं में घुसने वाले डाकुओं के अपराध का यही दंड है। डाकू, क्या तुम नहीं जानते ये हम भीलों का इलाका और हमारे इलाके में हमारी अनुमति के बिना जो भी आता है उसका सर दर्द धड़ से अलग अलग चढ़ रहा है। तुम दोनों पागल हो क्या? मृत्यु तुम्हारे सामने साक्षात खड़ी है, तुम्हें हंसी आ रही है। कौन हो तुम? आपके अन्य भील साथियों की भांति हम भी आपके एक साथी हैं। जब इतनी सरलता से इन बंधनों से मुक्त हो सकते थे तो इतना समय बंधे हुए क्यों रहे? क्योंकि हम अपने मित्र राणा खेता के बेटे से मिलना चाहते थे, इसलिए। और हमारे पिताजी का नाम कैसे जानते हो? आपके जंगलों के बाहर केवल हम ही थे आपके पिता के। रानी जाया भीली जाया भाई भाई, रानी जाया भीली जाया भाई भाई। और सौभाग्य था हमारा कि हमने उनके साथ कई युद्ध लड़े हमारे शत्रुओं के विरुद्ध। आपके पिता एक महान योद्धा थे। कुंवर प्रताप, हे महादेव, हमारे सामने साक्षात कुंवर प्रताप खड़े हैं। क्षमा कर दे, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया कुंवर प्रताप। राणा पूंजा, आपसे मिलकर हमें अति प्रसन्नता हुई। ये हमारे भाई कुंवर चंद्र सेन, मुक्त कीजिए इन्हें।
कुंवर प्रताप, आप भी ना, आपको पहले ही बता देना चाहिए था कि आप कौन हैं। कोई कारण तो अवश्य होगा हमसे मिलने का, अन्यथा मेवाड़ जाने का ये मार्ग तो आप कभी नहीं चुनते। भीलराज, हम नहीं चाहते कि वो मुगल नागौर से मारवाड़ पहुंचे, इसलिए हमें आपकी और आपके साथियों की सहायता चाहिए। कुंवर प्रताप, हम भीलों पर तो सदैव आपका प्रेम भरा अधिकार रहा है, वही होगा कुंवर प्रताप जैसा आप चाहेंगे। हम भील मेवाड़ के साथ थे, हैं, हैं, हैं और हमेशा रहेंगे। जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय मेवाड़! विवाह नागौर में होगा। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जैसा कहें वैसा ही कीजिए, और जाकर बोल दीजिए फूल को हो जाए तैयार नागौरी विवाह के लिए। हर ओर कानाफूसी हो रही है महाराज, कि अब मारवाड़ नरेश की बेटी मुगल बनने जा रही है, और शादी भी अब मारवाड़ में नहीं बल्कि अकबर के नागौरी महल में हो रही है। आप यदि अकबर को इतनी सी बात के लिए मना लें कि कम से कम ये विवाह राजपूती रीति रिवाज से हो जाए तो थोड़ी बात रह जाएगी। महाराज, कुछ तो आत्मसम्मान बचाइए। ठीक है, शादी और वो भी राजपूती रिवाजों के मुताबिक, क्यों नहीं, हम भी तो यही चाहते हैं कि राजपूत हमें अपना समझना शुरू कर दें, यह तो हमारे लिए और भी अच्छा हो जाएगा। उन सबको मुगल परचम के नीचे लाना। मान सिंह जी, वीर भाई को यह पैगाम भिजवा दिया जाए कि वो शादी के तमाम रस्मों रिवाजों की तैयारी अब उन्हें ही करनी है। जिसे हमने आपके लिए चुना है या चुनना पड़ा है, आप उसे मन से स्वीकार नहीं कर पाई हैं। जब से आपका जन्म हुआ है तब से सदैव हमने यही चाहा है कि आपकी डोली हमारे द्वार से निकले, ना कि उस मुगल के द्वार से। उसके यहां से आपकी डोली निकले ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था। आप ही बताइए हम क्या करें। फूल चले दाची राज, देर हो रही है ना, कितना दूर है नागौर मारवाड़ से। चले प्रताप, आपसे हमने जो भी कहा उसके लिए मन से क्षमा चाहते हैं हम। आप जानते हैं ना, जो भी कहा वो मन से नहीं कहा था हमने, कहना पड़ा था हमें वैसा। क्या करते हम भी कुंवर प्रताप, पागल भी है ना थोड़े से, ऐसा ही कहते थे ना आप हमें बचपन में। पर हम जैसे भी हैं वो मुगल कर छू तक नहीं पाएगा हमें कुंवर प्रताप, उसके अपवित्र हाथ हमें छुए छुए इससे पहले संसार से जा चुके होंगे हम। अजब और अमर को हमारा प्यार।
ये कुंवर प्रताप को दे दे। हम कुछ भी कर सकते हैं शहजादी फूलकंवर, कुछ भी, क्योंकि जब से आपको देखा है शहजादी फूलकंवर, हमारे दिलों दिमाग में ख्वाबों ख्यालों में बस बस आप ही हैं। बल्कि इसी लम्हे से हम आपके आपके और आप हमारी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.